भदोही के बाहुबली नेता को लगा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने महापाप की सुना दी सजा। 2014 से इंसाफ मांग रही सिंगर को मिला न्याय। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रेप के मामले में विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। वाराणसी की रहने वाली एक गायिका ने साल 2020 में विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। सिंगर द्वारा आरोप लगाया गया था कि साल 2014 में उसे कार्यक्रम करने के लिए विधायक विजय मिश्रा द्वारा भदोही बुलाया गया था और वहीं उसके साथ रेप किया गया। गायिका ने अपनी शिकायत में बताया था कि भदोही बुलाने के बाद कार्यक्रम के दौरान ड्रेस चेंज करते समय विधायक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने अपने बेटे और नाती को उसे बनारस पहुंचाने के लिए भेजा। उन दोनों ने भी बनारस में उसके साथ रेप किया। इस बाहुबली विधायक के दिमाग में इसकी ताकत और शक्ति इतनी हावी थी कि इसका मन इतने से भी नहीं भरा। इसने गायिका का कई बार शारीरिक शोषण किया और उसे नौकरी दिलाने की बात करता रहा। बाद में विधायक की हरकत से तंग आकर वो मुंबई चले गए, लेकिन ये वहां भी नहीं रुका। इसने वीडियो कॉल करके उसके साथ वहां भी अश्लीलता करने की कोशिश की। इस मामले में 3 साल तक सुनवाई चली और शुक्रवार को अदालत द्वारा विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया गया। दोषी करार दिए जाने के बाद शनिवार को विजय मिश्रा को 15 साल की कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि कोर्ट ने विजय मिश्रा के बेटे और नाती को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया है। सोचिए, एक लड़की जो सशक्त बनी, उसे अपने लिए आवाज उठाने में सालों लग गए। खैर, आखिरकार उसे न्याय मिल गया, लेकिन ना जाने कितने ही ताकतवर लोग महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं और कभी सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो लड़कियां और महिलाएं हिम्मत नहीं कर पाती। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।